अपने MIS ID को ओपन करने के बाद प्रोफाइल करेक्शन रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। उसमें अपडेट एंड वेरीफाई प्रोफाइल, लेफ्ट हैंड में दो चीजें दिखाई देंगी, डैशबोर्ड और प्रोफाइल। प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल में पर्सनल प्रोफाइल, प्रोफाइल करेक्शन रिक्वेस्ट और सर्विस प्रोफाइल, तीन चीजें आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले पर्सनल प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे। पर्सनल प्रोफाइल में पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आइडेंटिटी, हेल्थ, एजुकेशन, फैमिली, स्पाउस एंड अवार्ड इंफॉर्मेशन आएंगी। पर्सनल, सबसे पहले पर्सनल डिटेल में आपको अपनी सभी डिटेल्स केयरफुली चेक करनी है। अगर कोई भी करेक्शन करनी है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए कि आपको ये करेक्शन करनी है। सबसे मेन चीज, पर्सनल डिटेल में सबसे नीचे आपकी फैमिली आईडी आपको भरनी है। इसमें आपको ब्लैंक शो होगी, लेकिन आपको लिखनी है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि आपको अपनी फैमिली आईडी ऐड करनी है। फिर आप केयरफुली चेक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आपका एड्रेस आएगा, एड्रेस भी आप चेक करेंगे। फिर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आइडेंटिटी को चेक करेंगे जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी, हेल्थ, अगर आपकी जो भी हेल्थ इश्यू है, जिसको आपके पास जो मार्क्स मिलते हैं हेल्थ के लिए, वो चीजें इसके अंदर ऐड है या नहीं है तो वो ध्यान से देखिए। एजुकेशन, एजुकेशन में आपकी 10th से लेके आपने जो हाई क्वालिफिकेशन है आपकी, वो सभी चीजें आपको दिखाई देगी जो भी आपने MIS पर एंटर किया हुआ है। उसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी, मार्क्स, ईयर ध्यान से चेक कीजिए। उसके बाद फैमिली, फैमिली में आपके जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनकी डिटेल्स को चेक कीजिए। स्पाउस में आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी, उनके डिटेल्स को चेक कीजिए। लास्ट है अवार्ड, अवार्ड आपको अगर कोई मिला हुआ है और आपने MIS में एंटर किया हुआ है तो आपको शो होगा। अवार्ड में सबसे नीचे आपको दिखाई देगा वेरिफिकेशन। आपकी अगर सारी चीजें ठीक है तो आपको वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। अदरवाइज आपने नोट डाउन किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको फैमिली आईडी डालनी है, तो आप प्रोफाइल करेक्शन रिक्वेस्ट पर जाएंगे। यहाँ पे मैंने डाली हुई है तो आपको शो हो रही है, लेकिन आप बेसिक प्रोफाइल पर जाएंगे और ऐड करेक्शन रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि आपको फैमिली आईडी डालनी है। फैमिली आईडी डाल लेंगे, फिर उसके बाद आप जो भी डिटेल डालेंगे, सबसे नीचे एक टिक करना है जो कि एक बॉक्स आएगा, उसके बाद आप उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपकी जो भी आपने करेक्शन किया है वो आपके DDO के पास आपकी अप्रूवल के लिए चली जाएगी। जब आपके DDO आप उस आपके इस करेक्शन को अप्रूव कर देंगे, तो आपको उसके बाद पर्सनल प्रोफाइल को वेरीफाई करना है। नेक्स्ट है सर्विस प्रोफाइल। सर्विस प्रोफाइल आप अपनी चेक कर लीजिए, जो भी आपने MIS में पहले एंटर किया हुआ है वो सारे आपको यहाँ पे शो होंगे कि आपकी सर्विस कहाँ कहाँ, किस किस डेट को आपने ज्वाइन किया, वो सारी चीजें होंगी। मेन चीज, आप सर्विस प्रोफाइल में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी का ज्यादा ही इश्यू है तो वो अपने डीओ ऑफिस, कंसर्न डीओ ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट जिसमें वो चेंज कराना चाहते हैं वो लेकर जाएं और वहां से चेंज करवाएं। आप अपने लेवल पे सर्विस प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं कर सकते। जब सर्विस प्रोफाइल आपका पूरा चेक हो चुका है तो आप फाइनल वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। फाइनल वेरिफिकेशन होने के बाद आपका सर्विस प्रोफाइल के सामने ग्रीन टिक दिखाई देगा। पर्सनल प्रोफाइल आप जब वेरिफिकेशन कर दोगे तो ग्रीन टिक आएगा। ग्रीन टिक मीन्स आपका वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है।
सबसे मेन चीज, आज 10 जुलाई तक यह काम ओनली 15% हुआ है पूरे स्टेट में, जबकि इसकी लास्ट डेट 14 तारीख है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी अध्यापकों से कि टाइम रहते वे अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई कर ले। धन्यवाद।